हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडियन रोमा किचन फैमिली व्लॉग। और बस आज का जो व्लॉग है वो एक बड़ा प्यारा सा व्लॉग है, जिसमें हम अपने बहुत ही प्यारे मेंबर को, जिसका नाम रोशनी है, आप सब उसे जानते हैं, तो उसे गुड बाय बोलेंगे, क्योंकि एक बहुत ही ब्यूटीफुल रीज़न की वजह से वो थोड़े दिनों के लिए किचन से दूर जा रही है। और सेकेंडली आज उसका बर्थडे भी है, तो हमने सोचा चलिए उसका बर्थडे भी सेलिब्रेट कर लेते हैं आप लोगों के साथ। और देखिए हम लोगों ने क्या क्या किया, आप भी चलिए और इन्जॉय कीजिए हमारे साथ। आइए तो चले, बर्थडे कम फेयरवेल पार्टी है, बिकॉज शी इज लीविंग अस, है ना? Yes, yes. तो बट वही है, कुछ खट्टी मीठी यादें हैं जो हम इसके संग शेयर कर रहे हैं और इसको मिस करेंगे, बस वही सब है, है ना? शी इज क्राइंग। आंटी आप ले लो, द बेस्ट फ्रेंड। ओह आंटी जी उसको प्यार तो कर लो। ओए होए, ओ माय गॉड, ऑल आर गुड, शी हैज ब्रॉट विद सो मच ऑफ लव, सो दे आर ऑल टेस्टी। चलो सबको खिलाते जाओ। हेलो नी, ओह माय गॉड, छोटी बुढ़िया, आप क्या कहना चाहेंगी? जो रोशनी हमारे यहाँ काम करती थी, अब वो, हाँ करती थी, अब वो चली गई हैं, आज वो आई हैं, आज वो आई हैं, आज उनका बर्थडे है, उसका बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मैं सच बोलूं? आप सच बोलिए। मतलब शी इज द ऑनेस्ट पर्सन, शी इज वेरी प्योर हार्टेड एंड वेरी ऑनेस्ट। सीरियसली एक बार मैं इसको बताती हूँ, ऐसा कुछ हुआ कि हमारे पास ना कुछ लास्ट ऑर्डर आ गया था किसी चीज का, शायद नान थे या बन थे या कुछ था, पाव भाजी का कुछ ऐसा हुआ था, एंड शी जस्ट कैप्ट इन द माइक्रोवेव और वो सारा जल गया और बंदा बाहर खड़ा था, एंड आई वॉज रियली एंग्री, मैम आई वॉज जस्ट आउट ऑफ माई कंट्रोल, क्योंकि बहुत लेट हो गया था और सब कुछ था। मैंने कहा किसने किया, एंड एवरीबॉडी वाज कीपिंग क्वाइट, बिकॉज़ एंड शी वाज द वन, शी केम एंड शी सेड आई डिड इट, यू रिमेंबर दैट थिंग? आई डोंट नो, यस यस। तो उससे मुझे लगा कि हाँ, शी इज वेरी बर्न्ड एवरीथिंग, सो मेनी थिंग्स, सो आई डोंट रिमेंबर। अब तुम बोलो रोशन, यू आल्सो गो देयर। मैं अभी कुछ कहना चाहूंगा। गो 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 देयर, गो देयर, गो देयर। ये जो लेफ्ट साइड में घड़ी है, इसके लिए कुछ कहना बेकार। हाँ। जो राइट साइड में घड़ी है, ये आज इसकी बर्थडे है और अभी ये जा रही है, अब ये उसके बाद हमारे से कब मिलेगी, नोबडी नोस। नहीं नहीं, शील काम है। एक ही बात मुझे याद है आज तक, जब काफी पुरानी बात है, ये अपने घर पहुंच गई। हाँ, सच में कोई चीज जो फ्रिज में रखने, फ्रीजर में रखने वाली थी, वो बाहर है। यस, और उसने बोला कि वो चीज वहां पड़ी है, उसको फ्रीजर में, दैट इज कॉल्ड कंसिडरेशन फॉर ए कंपनी। यस, दैट्स वेरी ट्रू। इसके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा। ओह माय गॉड, ओह माय गॉड, ये झूठ था, ये झूठ था।
अच्छा फिर सच क्या था? और तू ये बता, तू इसको क्या बोलती थी? ये बढ़िया है। और वो तुम्हारी छोटी सी गुड़िया है, ये गुड़िया है और वो बढ़िया है, है ना? और इसके साथ काम करके सच्ची बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा सच में। हाँ सच में हमें लगा था रोशनी आएगी तो शायद हम रोएंगे, पर यहाँ तो माहौल ही नहीं बन पा रहा। अगर हमारे रेस्टोरेंट में कोई दो बेस्ट फ्रेंड्स हैं तो वो हैं ये दोनों, ये दोनों जो एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते, है ना? बताओ आंटी, आपने इसके संग क्या कैसा लगा आपको? मैंने इसके साथ काम करके बहुत अच्छा लगा, पर थोड़ी सी प्रॉब्लम थी। लैंग्वेज प्रॉब्लम थी, बट फिर भी दोनों एक दूसरे को समझा देते थे। और नहीं तो क्या कहना पड़ता, मुझे इंटरप्रेटर बनना पड़ता था दोनों के बीच में। आंटी तो उसकी लैंग्वेज नहीं सीख पाई, ये बेस्ट पार्ट वाज कि वो पंजाबी सीख गई है। नहीं पर आंटी इंग्लिश सीख गई है, क्लास लाइक वी कम्युनिकेट। यस, और आंटी भी इंग्लिश सीख गई है। उस दिन क्या हुआ था जब आंटी ने कहा था हैवी हार्ड व्हाट हैपेंड व्हाट हैपेंड लाइक आई वाज एक्सप्लेनिंग टू हर समथिंग, सो आई वाज लाइक थिंकिंग द हिंदी वर्ड ऑफ हार्ड, बट लाइक शी गॉट इट एंड शी टोल्ड मी लाइक हार्ड राइट, सो आई वाज लाइक ओह माय गॉड, ABCDEFGH बोल दे। लाइक पहले जब मैं रोशनी से मिला था, मुझे लगा फ्री रोशनी बहुत ही अच्छी है, बहुत ही और जब थोड़ा थोड़ा सा टाइम बीतता गया तो ऐसा लगा बहुत खराब है, तो मुझे दर्श आने लग गया रोशनी पे नहीं अपने ऊपर सिंपली सी आने लगी रोशनी पे नहीं बेनू के ऊपर। रोशनी इसकी एक सबसे बहुत बड़ी बात ये होती थी कि जब ये जैसे ये जाती थी हमारे ऑर्डर शुरू हो जाते थे। And now Roshi, he is taking Manish taking that place. Now he moves from here and we get the orders. Always. Hello Manish. क्या? और जब तू जाते हैं तब क्या होता है? मैं हमेशा ये बोलती हूँ ना, मनी तू बाहर निकला और ऑर्डर्स आए, है ना? दिन भर तो चलते ही है, लेकिन जैसे ये जाती थी ना, इसके जाते ऑर्डर रुक गए और हम सब ये कहते थे रोशनी गई। और अब हमारे किचन में कोई ऐसे नहीं कहता हाँ यस, हाँ यस, हाँ यस, रोशनी ये करोगी? हाँ यस, हाँ यस, मनी मनी गो दे लाइक नो वर्ड्स फॉर द छोटू शेफ। ओह माय गॉड, नहीं वैसे ये तो है कि मॉर्निंग ये संभालती थी, इवनिंग ये संभालती थी, ये दैट वाज देयर, इट वाज रियली देयर। अब घड़ी की जिम्मेदारी उसकी आ रही है। हाँ सच में। अब मैं पुअर बेनू की बजाय मैं पुअर मनी, जस्ट अ जेस्चर ऑफ लव, वेरी स्मॉल जेस्चर ऑफ लव, कुछ नहीं है। थैंक यू। अब एक बार देख लेते हैं मतलब की चीज है कि नहीं है। नहीं खोलो तो सही, तो मैं बताती हूँ क्या है। वाओ, व्हाई इज इट सो बिग? आई नो, लाइक फॉर ऑल द थिंग्स। यस, यू लाइक इट? यस यस, थैंक यू। It was very wonderful experience to work here. It was like a family. It was like a family. Abhi it is like a family. It is like a family. Yes. All of them helped me. Thank you for helping me. Like during pregnancy and all, when I was not able to lift or anything, they like Kamal, Mani, Saloni, everyone like helped me. So thank you for that. Honest thank you. And like for Andy and Uncle, thanks a lot. You gave me the job letter and everything. So it was helpful for my husband to get the visa.
and like was like wonderful experience. Beyond words. Thank you so much. अगर आप इंग्लिश ना समझ सकते हो तो हिंदी में हम आपको समझाते हैं कि ये एक परिवार है. रोशनी कहना चाहती है कि एक परिवार है हमारा और हमेशा रहेगा. जितने लोग आपको दिख रहे हैं सब परिवार का हिस्सा है. सब बहुत खुश रहते हैं, मजे करते हैं, डांट खाते हैं, फिर उसके बाद सब ठीक भी हो जाता है. लेकिन रोशनी को यहाँ इसलिए मजा आया क्योंकि उसको डांट बहुत कम पड़ी. रोशनी को कम डांट पड़ी, बहुत कम डांट पड़ी. अभी बस एक बार होता था, गुड डे. जरूरत पड़ेगी तो फोन पे इसको डांटा करें. थैंक यू. अगर फिर भी समझना आता हो तो गूगल ट्रांसलेट. ऑल द बेस्ट फॉर योर ब्राइट फ्यूचर. गॉड ब्लेस यू बेटा. गॉड ब्लेस यू. और जब तुम्हें लगे यू आर मोस्ट वेलकम. तुम्हें जब जरूरत महसूस हो तो आ सकते हो. और वैसे भी अभी आगे भी तुमको जब भी लाइक व्हेनेवर देयर इज अ टाइम यू नीड समबडी यू कैन ऑलवेज कॉल अस. वी ऑल आर देयर. ओके, टाइम मतलब थोड़ी सी टाइम होता है उस टाइम जरूरत पड़ती है तो वी आर ऑलवेज. Okay, you can count on us. Yes. Thank you. बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत मजा आया. तो ऑल द बेस्ट रोशनी. और अगर आप लोगों को हमारा, वैसे तो हमें नहीं अच्छा लग रहा है ये कहना कि रोशनी का जाना अच्छा नहीं लग रहा है, बट हाँ उसकी बर्थडे भी है, सब कुछ है. तो बस हम यही कहेंगे कि अगर हमारी पसंद आई हो, yes, she is going for a good cause. तो अगर आपको ये सब अच्छा लगा हो, हमारी वीडियो पसंद आई हो, हमारी इंडियन एरोमा फैमिली की जो बॉन्डिंग है वो अच्छी लगी हो, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, यस एंड बेल आइकन दबाएं. यस, थैंक यू सो मच. थैंक यू.